Okay, guys, today we are going to discuss the topic, Sociology of Education, right? Under this topic, we will discuss meaning definitions of sociology of education. Then we will discuss about nature and characteristics of sociology of education. Then we will discuss about scope of sociology of education. And in last, we will discuss about difference between educational sociology and sociology of education. This is a very important. It always comes in the exam, this question, short note mein aata hai. Right, guys? So we are going to discuss with sociology of education. Sociology of education, basically kya cheez hai? It is defined as a study of relations between the education and society. Right, guys? Sociology ka matlab hota hai study of society, the meaning of sociology. But we are talking about sociology of education. Sociology of education, it is a scientific study of, you know, what is the relationship exists between the education and society. Sociology of education is an investigation of sociological processes involved in the educational institution. मतलब जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं ना बच्चे, इन स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हमारी सोसाइटी का कितना इफेक्ट है, हमारी सोसाइटी क्या, हमारी सोसाइटी इन स्कूल और कॉलेजेस को चला रही है, राइट? तो इन सभी चीजों का साइंटिफिक स्टडी कौन करती है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, राइट? इमाइल दुर्खीम हुए हैं. इमाइल दुर्खीम इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, राइट? इनका क्या कहना है, मतलब ही बिलीव्स दैट सोशल फैक्ट्स गवर्न द सोसाइटी, राइट? जो सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंसर बंदे होते हैं, राइट, मेन, यू नो, बड़े पर्संस होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को, स्टेट को, नेशन को, राइट, वो सोसाइटी को चलाते हैं. और वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो एजुकेशन के अंदर भी इन्वॉल्व हो चुका है. उसकी साइंटिफिक स्टडी जो करती है वो कौन करती है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन करती है, राइट? अब ओटावी ने बहुत ही अच्छा कहा है. ओटावी की एक डेफिनेशन है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के ऊपर. ओटावी ये लिखते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न विद एजुकेशनल एम्स, मेथड्स, इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड करिकुलम, राइट? क्या स्टडी करती है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न विद एजुकेशनल एम्स, मेथड्स, इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेशन और करिकुलम इन रिलेशन टू द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस ऑफ द सोसाइटी इन विच दे फंक्शन. तो ओटावे ने भी यही बोला है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या चीज है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारा जो करिकुलम है, हमारा पढ़ाने का जो वे है, मेथड्स है, टेक्निक्स हैं, हमारा जो सिलेबस है, इन रिलेशंस टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस ऑफ द सोसाइटी, राइट? वो सारा का सारा जो बनता है इन रिलेशंस टू दीज सोसाइटीज के इफेक्ट के कारण ही उसके एजुकेशन के अंदर आती है. और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या करती है? इसकी सिस्टमेटिक स्टडी है, राइट? तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या करती है? इट एम्फसाइजेस sociological aspect of educational phenomena, right? In fact, आगे चल के तो sociology of education ये बोलती है कि जितनी भी problems होती हैं, जितनी भी problems हम encounter कर रहे हैं, they are regarded as a problem of sociology, not the problem of educational practices. Sometimes हम कहते हैं ना यार, educations के अंदर ये fault है. हम कहते हैं ना mostly कि educations is a full of problems. एजुकेशन में ये प्रॉब्लम है, लेकिन बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहती हैं, वो प्रॉब्लम सोसाइटी की हैं. क्योंकि एजुकेशन क्या चीज है? एजुकेशन तो व्हाटएवर वी लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, एजुकेशन उसको इंप्लीमेंट करती है, राइट? और इसकी सिस्टमेटिकल स्टडी है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन देयरफॉर मे बी एक्सप्लेन्ड एज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ social processes and social patterns involved in the educational process, right, guys?
नेक्स्ट हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. ओके, क्या क्या है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का, मतलब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन किन किन चीजों को स्टडी करती है. ओके, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं. ये बेसिकली सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक ब्रांच है, ठीक है, सोशल साइंस की, सोशियोलॉजी की. सो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इट कंसर्न्ड विद सोसाइटी इटसेल्फ. स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर सोसाइटी आ जाती है, सोसाइटी की भी स्टडी करती है. सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कल्चर की भी स्टडी करती है, कम्युनिटी की भी स्टडी करती है, क्लास की भी स्टडी करती है, इन्वायरमेंट की भी स्टडी करती है, सोशलाइजेशन की भी स्टडी करती है, कल्चर लैग और सब कल्चर स्टेटस रोल एंड सो फोर्थ. राइट, क्योंकि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या था, साइंटिफिक स्टडी था एजुकेशन की और सोसाइटी की. राइट, फर्दर इन केस ऑफ एजुकेशन एंड सोशल क्लास, स्टेट, सोशल फोर्सेस, कल्चरल चेंज, वेरियस प्रॉब्लम ऑफ ए रोल स्ट्रक्चर एंड सो फोर्थ. राइट, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आल्सो डील्स विद द एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन इन वेरियस ज्योग्राफिकल एंड एथनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोई रूरल एरिया में है, अर्बन में है, ठीक है, ट्राइबल एरियाज है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री है, उनका बैकग्राउंड, उनके यू नो क्या क्या उनका इन्फ्लुएंस है, राइट, सोसाइटी के पर्सन का एजुकेशन में, इन सारों को, ये सारे की सारी चीजें भी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंडर ही आते हैं. राइट, फर्दर हम देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इट आल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ए डिफरेंट एजुकेशनल मेथड्स इन टीचिंग स्टूडेंट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस. राइट, मतलब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये भी देखती है कि जो भी ये मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं, ये कितने को कारगर हैं बच्चों के लिए. ओके, ये किस वे में बनाए जाते हैं, क्या ये जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ये मेथड्स की या टेक्निक्स की, राइट, ये सभी बच्चों के ऊपर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है. कहीं एक कोई कम्युनिटी या जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हीं का तो इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट, इस सोसाइटी, इस एजुकेशन के अंदर भी. राइट, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ वेरियस सोशल एजेंसीज. अब सोशल एजेंसीज हमारी कौन कौन सी होती हैं, राइट, फैमिली है, स्कूल है, कम्युनिटी है, ठीक है ना, इनका, सोशल एजेंसीज का स्टूडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट, इसको भी स्टडी करती है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. राइट, फर्दर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल क्लास, कल्चरल, लैंग्वेज, पेरेंटल एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट. राइट, इन सभी चीजों को भी स्टडी करती है. राइट, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. राइट, लास्ट पॉइंट इसका पहले हम फिनिश कर लेते हैं. स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडीज द रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, पीयर ग्रुप, ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट. राइट बच्चे, एक्चुअली अब इसको आप समझो, जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, ये दिया था इमाइल दुर्खीम ने. राइट, इमाइल दुर्खीम को ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. और इमाइल दुर्खीम का ये मानना था कि जो सोशल फोर्सेस होती हैं सोसाइटी के अंदर, राइट, पॉलिटिकल पर्सन जो होते हैं, वो सोसाइटी को चलाते हैं. राइट, और वो जो सोशल फोर्सेस हैं, उनका जो इफेक्ट है, वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी आ गया है. राइट, आपने देखा होगा, देखो कोई भी क्लास होती है, राइट, क्लास के अंदर गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा भी पढ़ रहा है. ओके, व्हेन द टीचर या प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल कम्स टू नो दैट कि ये स्टूडेंट है, वो जज साहब का बेटा है, या किसी बहुत बड़े पुलिस वाले का बेटा है, राइट, या कॉर्पोरेट का बेटा है, तो आपने देखा होगा स्कूल का स्टाफ, स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल्स उसको ज्यादा अहमियत देनी स्टार्ट कर देते हैं. राइट, और समटाइम कई स्कूल्स आपने देखे होंगे, कई चल रहे होते हैं, वो अपने ही खर्चे के ऊपर चलते हैं. राइट, जैसे आप देखो क्रिश्चियंस के स्कूल चल रहे हैं, एसजीपीसी के स्कूल चल रहे हैं, है ना, डीएवी ऑर्गेनाइजेशन है उनके स्कूल चल रहे हैं, देव समाज ऑर्गेनाइजेशन है उनके स्कूल चल रहे हैं, तो क्या उनका ज्यादा इफेक्ट रहता है उस एजुकेशन के अंदर. राइट,
इन सभी को, इन सभी एस्पेक्ट्स को कौन स्टडी करता है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, राइट? तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक साइंटिफिक स्टडी है एजुकेशन की और सोसाइटी की, या सोशियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है एजुकेशन के अंदर, क्या पढ़ रहा है, उसकी सिस्टमेटिकल स्टडी है, राइट गाइज? अब नेक्स्ट एक टॉपिक करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आता होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, राइट? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अभी हमने फिनिश कर लिया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन? तो बच्चे, एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या चीज होती है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स टू द सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन एन एजुकेशन सिस्टम इज कॉल्ड एजुकेशनल सोशियोलॉजी, राइट? एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या करती है कि भाई हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोशियोलॉजिकल वे में सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करती है, दिस इज कॉल्ड एजुकेशनल सोशियोलॉजी, राइट? एजुकेशन, मैंने आपको कहा था, एजुकेशन क्या है? एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, राइट? जो भी हम एजुकेशन से गेट करते हैं, राइट, वो हम जो भी हम सोसाइटी में गेट करते हैं, जैसे देखो सोसाइटी में आजकल कंप्यूटर, ऑनलाइन, ये सब चीजें चल रही हैं, राइट? और अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही यूजीसी ने बोल दिया है कि भी 30% 40% ऑनलाइन सिलेबस इज गोइंग टू बी एडेड इन द सिलेबस, राइट? तो देखो एजुकेशन के अंदर ये चीजें आई किसके कारण आई? सोसाइटी के कारण आई ना, राइट? तो ऐसे ही जब ये चीजें सोसाइटी की जो चीजें हैं या जो भी सोसाइटी के अंदर चेंज हो रहा है, राइट, वो चेंज इंप्लीमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, राइट? वो तो हेल्प हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी, राइट? एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन या प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, राइट गाइस? अब वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो ऑनलाइन 30% 40% सिलेबस हमारे एजुकेशन में एड हो गया है, राइट? ये हो गया एजुकेशनल सोशियोलॉजी. अब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या करती है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये करती है, वो ये चेक करती है कि ये जो ऑनलाइन सिलेबस एजुकेशन के अंदर ऐड हुआ है, राइट, इसका क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं आगे, राइट, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, राइट, उसकी साइंटिफिक स्टडी करती है, राइट? वेयर एज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द सोशल प्रोसेस एंड सोशल पैटर्न्स इन्वॉल्व्ड इन द एजुकेशन सिस्टम, राइट गाइज? So this was the, you know, very important topic, sociology of education. So today we discuss about this. Next we will discuss about the processes ya approaches of the sociology of education in the next lectures, right guys? First you understand this concept, what is the sociology of education, what are the nature and scopes of sociology of education, right? फिर उसके बाद एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है, राइट? सो आई वांट दैट दिस थिंग शुड बी अंडरस्टूड टू यू, देन आई विल मूव फॉरवर्ड, राइट गाइस? थैंक यू सो मच.